वो दवा के नाम पर बेचता था क्या धोखा। रातों रात बन गया अरबपति, घर पहुंची इनकम टैक्स की टीम तो मोदी सरकार के भी होश फाकता हो गए। दवा का नाम भारत के इतिहास में सबसे बड़ा मेडिकल फ्रॉड हो गया। भारत का कोई ऐसा घर नहीं होगा जिस घर में बुखार की दवा नहीं जाती होगी। लेकिन क्या आपको बुखार की दवा के साथ एक घोटाला भी आपके पैकेट में डाल दिया गया? ये सवाल अपने आप में बड़ा है। वैसे तो इसका पता आपको नहीं होगा क्योंकि कोरोना जैसी गंभीर बीमारी के दौरान डॉक्टर भी एक बड़े फ्रॉड का शिकार हो गए और जनता से भी धोखा करने लगे। इसका पता जैसे ही जांच एजेंसियों को लगा, वैसे ही दवा कंपनी का सच सबके सामने आ गया। इसका एक पत्ता देखकर आपको भी याद आया होगा कि ये दवा आपने कितनी बार खाई होगी। 90% लोगों के घर तक या फिर बेड तक ये दवा पहुंची। लेकिन जिसे डॉक्टर अच्छी दवा बताकर आपको दे रहे थे, असल में वो एक बड़ी साजिश थी। अब सच क्या है, अब वो भी सुनिएगा। बुखार की सैकड़ों दवा देश में है, लेकिन अचानक डोलो 650 कैसे हिट हो गई? ये फॉर्मूला सरकार के साथ जांच एजेंसियों को भी हैरान परेशान किए हुए था। शक के आधार पर पहले जांच को गुप्त रखा गया। करीब 3 महीने से ये पता लगाने की कोशिश की जा रही थी कि आखिरकार पूरे भारत को एक साथ धोखा देने वाला इंसान कौन है। फिर पता चला ऐसा कनेक्शन कि सरकार भी समझ नहीं पाई। डोलो 650 बुखार और दर्द की एक दवा है। दरअसल कंपनी पर आरोप है कि डॉक्टरों को 1,000 करोड़ का ऑफर दिया गया और डॉक्टरों से टीवी पर, अखबार में और सोशल मीडिया के साथ मरीजों की पर्चियों पर डोलो 650 लिखने के लिए कहा गया। जब क्रोसिन जैसी दवा मार्केट में थी तो डोलो कोई नया चमत्कार नहीं था। फिर भी डोलो को ज्यादा बेचने के लिए 1,000 करोड़ का ऑफर काफी होता है। डॉक्टरों को घर घर तक पहुंचाने की सलाह दी गई। यानी अब सीधे शब्दों में समझिए, अगर 10 करोड़ लोग डोलो 650 खरीदते हैं तो एक पत्ते की कीमत 15 रुपए है। मतलब डील करोड़ों की नहीं बल्कि हजारों करोड़ों की हो सकती है। अब आपको बताते हैं इनकम टैक्स की टीम कैसे पहुंची उस रहस्यमय लैब के पास जहां से तय हुआ पूरे देश को धोखा देने का प्लान। पहले सुनिए छापा मारने वाली टीम का क्या कहना है, फिर आपको बताते हैं वो तरीका जिससे भारत में कुछ लोग रातों रात अमीर बन गए। अब बाद में पता चला कि ये नायक नहीं देश के असल खलनायक हैं। डोलो 650 नाम की दवा की ब्रांड वैल्यू बढ़ाने के लिए डॉक्टरों को लगभग 1,000 करोड़ रुपए का उपहार भेंट किया गया। आयकर विभाग ने 6 जुलाई को बेंगलुरु के एक लैब में छापा मारा। तार जुड़ते गए तो ये छापेमारी 9 राज्यों के 36 ठिकानों तक जा पहुंची। सीबीटी ने अपने बयान में कहा कि दवा निर्माता कंपनी के खिलाफ कार्रवाई के बाद विभाग ने 1,20,00,000 रुपए की अघोषित नकदी और 1,40,00,000 रुपए के सोने और हीरे के आभूषण जब्त किए। तलाशी अभियान के दौरान दस्तावेजों और डिजिटल डाटा के रूप में पर्याप्त आपत्तिजनक सबूत मिले हैं और उन्हें जब्त कर लिया गया है। सबूतों से संकेत मिलता है कि समूह ने अपने ब्रांड को बढ़ावा देने के लिए गलत रास्ता अपनाया। इस तरह के उपहारों की राशि लगभग 1,000 करोड़ के आसपास का अनुमान है। अब सवाल ये उठता है कि कंपनी ने ऐसा क्यों किया। दरअसल कोरोना जैसी गंभीर बीमारी हमारे देश में कुछ उद्योगपतियों के लिए अवसर बनती हुई दिखाई दी और उसे बुनाने की कोशिश हुई। डोलो की बिक्री इतनी बड़ी कि एक समय कंपनी दवा बना नहीं पा रही थी, हर घर तक दवा पहुंचा रही थी। दवा में कमी है या नहीं ये जांच का विषय हो सकता है, लेकिन मार्केट में अच्छी अच्छी दवाओं को छोड़कर सिर्फ डोलो दवा लिखने वाले डॉक्टरों की नियत पर भी सवाल खड़े हो सकते हैं। कंपनी ने कम वक्त में ज्यादा मुनाफा कमाने के चक्कर में जो कदम उठाया, क्या वो देश के लिए घातक साबित नहीं हो सकता था? एक साथ पूरे हिंदुस्तान के साथ फ्रॉड करने वालों की संख्या वैसे तो कईयों की है, लेकिन जब किसी सामान का देश में प्रचार खूब हो तो पहले उसकी पड़ताल जरूर कर लें। आपको याद होगा एक समय फ्रीडम 251 फोन आया था, यानी 251 रुपए में स्मार्टफोन देने का वादा था। कंपनी ने पहले खूब बुकिंग की, बाद में पता चला ये बहुत बड़ा धोखा था। कंपनी भाग गई और देश की जनता के अरबों रुपए स्वाह हो गए। ये हमारे देश में नया तरीका निकला है, बड़ा घोटाला ना कर पाए तो कुछ ऐसा कर जाए
जिससे ज्यादा लोगों को ठगा जा सके। जैसे अगर 1 करोड़ लोगों से 200 रुपए ठग लिए जाएं, तो एक दिन में 2 अरब रुपए हो जाते हैं। यही फार्मूला डोलो ने भी अपनाया और यही फार्मूला 251 फ्रीडम फोन ने भी अपनाया था। मतलब अगर आपको डॉक्टर कहें डोलो लेना, तो आप कहना डॉक्टर साहब डोलो मत बोलो, अब कोई और दवा लिख कर दीजिए, क्योंकि डोलो बनाने वाली कंपनी लोगों की आंखों में धूल झोंक कर अरबों रुपए डकार रही है। अब सरकार रोक भी लगा दे तो कंपनी का मुनाफा कम नहीं होगा, क्योंकि हिंदुस्तान में जो हिट हो गया उसकी फ्लॉप फिल्में भी कमा लेती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।